नमस्कार। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी एनुअल समिट की बहुत ही सार्थक मीटिंग संपन्न हुई है। पिछले दो वर्षों में मेरे मित्र एल्बनीज़ी के साथ यह 11वीं मुलाकात थी। योर एक्सीलेंसी एंथनी एल्बनीज़ी, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, नमस्कार। Today we had a very productive meeting of the second India-Australia annual summit. In the last 2 years, this was my 11th meeting with my friend Albanese. ये द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा के संचार का प्रतीक है। एक्टा के लागू होने के बाद पिछले दो वर्षों में हमारे आपसी व्यापार में 40% वृद्धि हुई है। रक्षा क्षेत्र में ज्वाइंट एक्सरसाइज, यंग ऑफिसर्स के बीच एक्सचेंज और हमारे प्लेटफॉर्म्स के डिप्लॉयमेंट को बढ़ावा मिला है। दिस इज अ सिंबल ऑफ न्यू एनर्जी इन आर बायलैटरल रिलेशंस। आफ्टर एक्टा केम इनटू फोर्स इन द लास्ट 2 इयर्स, आवर बायलैटरल ट्रेड सॉ अ 40% इंक्रीज। In the area of defense, through joint exercises, exchange between young officers and deployment of our platforms, our relations have seen a new impetus. हमने ब्रिस्बेन में नया कॉन्सुलेट खोला है और ऑस्ट्रेलिया ने बेंगलुरु में। दो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने भारत में अपने कैंपस भी खोले हैं। We have opened a new consulate in Brisbane and Australia has opened one in Bengaluru. Two Australian universities have also opened campuses in India. आज हमारे संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तार से व्यापक चर्चा हुई। अगले वर्ष हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 5 वर्ष मनाएंगे। Today we had detailed discussions on our relations. Next year our comprehensive strategic partnership will complete its 5 years. Defense industry, critical mineral, renewable energy, shipbuilding, space, sports जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर काम करेंगे। Defense industry, critical minerals, new renewable energy, shipbuilding, space and sports are areas where we will work on exploring new opportunities of cooperation. पारस्परिक लाभदायक comprehensive economic cooperation समझौते के लिए काम किया जाएगा। We will work on a mutually beneficial comprehensive economic cooperation agreement. प्रधानमंत्री एल्बनीज़ी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय और विशेषकर भारतीय छात्रों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम एल्बनीज़ी हैज अश्योर्ड मी ऑफ हिज कमिटमेंट टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द इंडियन कम्युनिटी, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि का हम मिलकर के समर्थन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फ्रेंड्स, वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर टू प्रमोट पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द इंडो पैसिफिक एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो। वैश्विक संघर्षों और तनावों को सुलझाने के लिए हमने डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता पर भी हम एकमत हैं। वी हैव स्ट्रेस्ड ऑन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी टू सॉल्व ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस। वी आल्सो अग्री ऑन द नीड टू रिफॉर्म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगले वर्ष भारत में होने वाली क्वाड समिट के लिए प्रधानमंत्री एल्बनीज़ी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। नेक्स्ट ईयर India will host the Quad Summit and Prime Minister Albanese has accepted our invitation. मुझे पूरा विश्वास है
कि आने वाले समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी नई ऊंचाई छुएगी और फोर्स फॉर द ग्लोबल गुड बनेगी. थैंक यू. आई एम सर्टेन दैट द इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप विल टच न्यू हाइट्स इन द कमिंग ईयर्स एंड विल बी अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड. थैंक यू.